हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिकर्जन। और यहाँ से रिकर्जन की सीरीज शुरू होने वाली। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप के रिकर्जन होता है। तो पहला है टेल रिकर्जन, फिर हेड रिकर्जन, फिर आता है पर ट्री रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन, और लास्ट में आपको आएगा नेस्टेड रिकर्जन। इतने टाइप के रिकर्जन होते हैं और अब हर एक को इंडेक्स सीखेंगे। आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं टेल रिकर्जन के बारे में। टेल रिकर्जन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ करके, फंक्शन एफ, और उसके अंदर आप देख सकते हो पहले, अभी सपोज कि हमने एफ ऑफ 3 कर दिया, ठीक है, ये हमने 3 पास किया इनकी जगह पर। तो जब 3 अंदर जाएगा तो आप देखते हो पहले वो प्रिंट करा रहा है 3 को, और उसके बाद फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन माना जाता है। तो हम अब इस फंक्शन को ट्रेस करके देखते हैं। तो अगर हम 3 पास करेंगे तो f ऑफ 3, और देखेगा 3 इज ग्रेटर देन 0, हाँ, तो फिर ये 3 को प्रिंट करेगा और उसके बाद अपने आप को बुलाएगा, लेकिन वैल्यू कम करके बुलाएगा f ऑफ 2। तो वापस ऊपर जाएगा 2 ग्रेटर देन 0, हाँ, तो वो 2 को प्रिंट करेगा और f ऑफ 1 को कॉल करेगा। उसके बाद वापस ऊपर 1 को प्रिंट करेगा f ऑफ 0, और उसके बाद जब लूप में आएगा तब ये देखेगा कि 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं तो ये रिटर्न हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आपने प्रिंट क्या करा है, आपका जो लास्ट में जो आउटपुट आएगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3, 2, 1। इससे हमें क्या पता चला कि टेल रिकर्जन में एक बार जब हम फंक्शन को वापस कॉल कराते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम कुछ नहीं छोड़ते फंक्शन को करने के लिए। जो भी फंक्शन को करना होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करना होता है, वो पहले ही निपटा देता है और उसके बाद अपने आप को कॉल करता है। मतलब अपने आप को कॉल करने के बाद कोई स्टेप नहीं होता, मतलब रिटर्निंग टाइम कोई स्टेप नहीं होता, उसे टेल रिकर्जन कहते हैं। मतलब खुद को वो लास्ट में बुलाता है, इसलिए उसे टेल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट करिएगा।